नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, ए स्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका नींबू में। नींबू में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, वीटी कल्चर का संबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंगूर से। इसी तरह आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका एपी कल्चर का संबंध किससे है, तो एपी कल्चर का संबंध आपका होगा मधुमक्खी पालन से। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ट्रिप्सिन। हमारा चौथा प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोले कैलिप्स फेरॉल। ये थोड़ा नाम याद करने में आप लोग को दिक्कत होगी, बट एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका रेटिनॉल। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, ऊतकों का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रोटीन से। प्रोटीन से हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। हमारा छठवां प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने की। हमारे शरीर में चार रक्त समूह होते हैं, ए बी ए बी और ओ। इसमें ए बी आपका सर्वग्राही रक्त समूह होता है और ओ जो होता है आपका सर्वदाता रक्त समूह होता है, तो हम ये भी याद रखेंगे। हमारा जो सातवां प्रश्न है वह है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। और हमारे शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वह किडनी में संपन्न होती है। हमारा आठवां प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। हमारा आज का नौवां प्रश्न है, एड्स रोग किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणुओं द्वारा। एड्स होता है वह विषाणुओं द्वारा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। और यह HIV द्वारा होता है, यह वायरस का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और हमारा आज का दसवां और आखिरी प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी लेमार्क ने। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है या फिर आप लोग चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स जो पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।